योगी ने कहा भाजपा यानी भट्टी जमाओ पार्टी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन शराबबंदी का मुद्दा पूरी तरह गर्मा गया है। विधानसभा प्रांगण में गांधी प्रतिमा के समक्ष शराबबंदी की मांग को लेकर विधायकों सियाराम अमित जोगी ने कहा भाजपा यानी भट्टी जमाव पार्टी बन गई है। प्रदेश में शराब बेचने का काम सरकार खुद करेगी, ऐसे में ये तो स्पष्ट हो गया कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, भट्टी जमाव पार्टी चल रही है। बीजेपी का मतलब भट्टी जमाव पार्टी, जहां महिलाओं का, नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का भविष्य संवारने का काम इस सरकार को करना था, वहीं अब सरकार गांव-गांव जाके, गली-गली जाकर शराब भट्टियां सजा रही है। क्या यही काम रह गया है सरकार का? ऐसे में इस सरकार के खिलाफ शराबबंदी लागू करने के लिए आबकारी नीति 2017 के विरुद्ध कैबिनेट का जो फैसला हुआ है उसके विरुद्ध हम राज्य मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। आज आदरणीय सियाराम कौशिक जी ने, आदरणीय राजेंद्र राय जी ने और मैंने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना विधानसभा सचिवालय को देने का निर्णय किया है। साथ ही बाकी सभी विधायकों से हमने इस मुद्दे पर समर्थन मांगा है। मैंने व्यक्तिगत समर्थन किसी से नहीं मांगा है, अपने लिए समर्थन नहीं मांग रहा हूं, शराब बंदी लागू करने के लिए समर्थन मांग रहा हूं। इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनसे समर्थन मैं मांग रहा हूं। अगर कोई भी दूसरा विपक्षी दल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है, स्थगन प्रस्ताव लेके आता है, शराबबंदी लागू करने के लिए कोई भी प्रस्ताव लाता है, उसको हम निशर्त समर्थन देने को तैयार हैं। ऐसे में जो बड़ा दल है उसको बड़ा दिल रखना चाहिए। एक तरफ तो बाहर इस सदन के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं कि हमें शराबबंदी लागू करनी है, और दूसरी तरफ जब हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो उसके समर्थन देने की कोई बात ही नहीं हो रही है। वहां बाहर सदन के सरकार के प्रति आपका कोई विश्वास नहीं है, पर सदन के अंदर आते ही इतना विश्वास उत्पन्न हो जाता है। ये क्या सादगांठ है, ये रिश्ता क्या कहलाता है।